प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी प्रदेश में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पहाड़ में साइकिल को रफ्तार देने का जिम्मा खुद अखिलेश यादव ने अपने कंधों पर उठा लिया है, जिसके चलते आज सपा सुप्रीमो रुद्रपुर पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक की। बंद कमरे से निकलकर अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रदेश में जनाधार बढ़ाने के साथ साथ चुनावी जीत का मंत्र दिया। अखिलेश यादव ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा। उन्होंने बताया कि सपा राज्य के निकाय चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेगी। निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी लड़ेगी, क्योंकि वही तो ग्रास रूट का चुनाव है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर हमला करने से भी नहीं चूके। ये लोग जनता को बहकाते रहे, लेकिन बीजेपी लोगों को बांट करके वोट लेने का काम कर रही थी। आज हमें बताएं बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, कोई उपलब्धि उनके पास हो तो बताएं। गैस के चूल्हे दिए लेकिन महंगा कितना कर दिया। योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी अखिलेश यादव ने जमकर चुटकी ली। है कि मुख्यमंत्री ये नहीं जानते हैं कि सांप कौन है, बिच्छू कौन है। पिछले चुनाव में हमें सांप और छछूंदर कहा था, याद कीजिए। उनकी सोच देखो, बीजेपी की सोच देखो। जिस घर में मैं रहता था उस घर को गंगाजल से धुलवाया। चाचा शिवपाल यादव के सर्कुलर मोर्चे के फैसले को विरोधियों की चाल बताते हुए अखिलेश ने कहा कि ये केवल जनता को भटकाने की कोशिश हो रही है। सर्कुलर मंच और ये सब केवल ध्यान हटाने के लिए है, मैं बोल चुका हूँ आपसे। अखिलेश यादव सपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं, लिहाजा सभी राज्यों में चुनाव लड़कर वो अपनी उपस्थिति इन राज्यों में दर्ज कराना चाहते हैं। इसी के चलते अखिलेश यादव दो दिनों के रुद्रपुर दौरे पर हैं, जहां वे पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड में पैर जमाने की तैयारी में अखिलेश कल रुद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ईटीवी भारत उत्तराखंड डेस्क हैदराबाद।